किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली में 14 दिन से डटे हुए हैं। ऐसे में किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां उतर कर आई हैं। वहीं आज एनएलओ विधायक अभय चौटाला किसानों को समर्थन देने टिकरी बॉर्डर के लिए कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के काफिले के साथ भावतीन टोल प्लाजा से रवाना हो गए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के आंदोलन को कोई कुचल नहीं सकता। सरकार बार बार बातचीत के बहाने आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए हुड्डा ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कहा अभय सिंह चौटाला ने, आइए सुनिए। करके राजनीति बात किसी के सामने कहता, आज का क्या प्लान रहेगा आपका? मैं भी आज धरने में जाऊंगा और धरने में जाकर के टिकरी बॉर्डर में किसानों के बीच बैठ करके उनसे बातचीत करूंगा और उनसे पूछ कर के आऊँगा कि आप हमारी क्या जिम्मेवारी लगाना चाहते हैं। वो जो जिम्मेवारी हमें देंगे हम उस जिम्मेवारी को अग्रणीय पंक्ति में खड़े होकर के निभाएंगे। अब हुड्डा जी कुछ तो कुछ अखबार में कहेंगे, कुछ ना कुछ तो अखबार की सुर्खियों में बना रहना चाहेंगे। ये तो ये भी कहते थे कि जब पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज तो कह रहे थे अगर वो मुकदमे वापस नहीं हुए, लाठी चार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पीपली में किसानों को साथ लेकर के धरने पे बैठ जाऊँ। कहाँ गया वो धरना? केवल बात कहने से, अखबार की सुर्खियाँ बढ़ने से मदद नहीं हो सकती।